नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की है। पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र, 11 शौर्य चक्र, 5 मरणोपरांत सहित 2 बार 2 सेना मेडल, 52 सेना पदक, 3 नौसेना पदक और 4 वायुसेना पदक शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सेना के लिए 30 मेंशन इन डिस्पैच को भी मंजूरी दी है। IPL 2024 के लिए BCCI तैयारियां शुरू कर चुकी है। IPL 2024 के लिए मिनी ऑक्शन के लिए प्लानिंग बन रही है। साथ में बोर्ड के अंदर ये भी बात चल रही है कि किस तरह से IPL 2024 का आयोजन कराया जाए। जैसा आप जानते हैं कि जून 2024 में T20 विश्व कप होगा, यानी BCCI जून से पहले ही अपने IPL 2024 को पूरा करना चाहेगी और विश्व कप IPL 2024 के बीच में कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर तो रहेगा ही, जिसका मतलब ये है कि इस बार का IPL कुछ पहले होता हुआ नजर आएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से न केवल सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई बल्कि आगे का लक्ष्य भी तय कर दिया। उन्होंने कहा कि 2047 का तिरंगा जब लहराएगा तब विश्व भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में गुणगान करेगा। उन्होंने कहा कि आज श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। यह वर्ष स्वामी दयानंद की 150वीं जयंती का वर्ष है। यह वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्म सती का वर्ष है। यह वर्ष मीराबाई के 525 वर्ष का भी पावन पर्व है। इस बार हम जब 26 जनवरी मनाएंगे तो यह हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। सरकार की ओर से घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 4,250 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 7,100 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विंडफॉल टैक्स की बढ़ी हुई दरें 15 अगस्त से लागू हो गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 5.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जो कि पहले 1 रुपए प्रति लीटर था। ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 2 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, यह पहले शून्य था। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से टमाटर की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए कदम उठाए गए हैं। थोक सब्जी मंडियों में टमाटर की कीमतों में गिरावट आने के साथ ही सरकार ने सस्ती कीमतों पर इसे बेचने का फैसला किया है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार थोक बाजार में कीमतों में गिरावट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सहकारी समितियों को मंगलवार से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर टमाटर की बिक्री करने का निर्देश दिया है। जुलाई के महीने में NCCF और NEFED टमाटर की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमत में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से रियायती दरों पर टमाटर बेच रही है। भारतीय महिला पहलवान सीमा बसला पर नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल ने 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी सीमा पर वेयर अबाउट साथा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। ADDP ने 21 जुलाई को 30 वर्षीय सीमा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला जारी किया। नाडा की वेबसाइट पर डाली गई ADDP द्वारा स्वीकृत खिलाड़ियों को नवीनतम सूची के अनुसार सीमा के प्रतिबंध की अवधि 12 मई को शुरू हुई है। गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर CM के संबोधन के बीच कोई बाहरी नागरिक अचानक से प्रवेश कर गया। ये युवक भी घेरे में प्रवेश कर गया और अपना आक्रोश जताने लगा। यह सब देखकर नीतीश सहित वहां मौजूद सभी लोग और सुरक्षा बल हैरान रह गए। गनीमत यह रही कि इस युवक के CM नीतीश कुमार के पास पहुंचने के पहले ही सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और उसे वहां से दूर ले गए। इस दौरान युवक कुछ नारेबाजी करता रहा। यह युवक अपनी मांगों को लेकर CM के स्टेज के पास जा रहा था। भारत की आजादी को 76 साल पूरे हो गए हैं और देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर लाल किले पर भव्य कार्यक्रम किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस गैर मौजूद रही और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी खाली नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचने की वजह सामने आई है और उनके ऑफिस ने बताया है कि वो सुरक्षा कारणों की वजह से लाल किला नहीं गए। खड़गे के ऑफिस ने बताया कि उन्हें अपने घर और पार्टी दफ्तर में भी झंडा फहराना था, इसलिए उनको वापस लौटना था और सुरक्षा कारणों की वजह से लाल किला नहीं गए। DP बदलने के चक्कर में कई लोगों का ब्लू टिक ट्विटर से गायब हो गया है। दरअसल ट्विटर ब्लू को लॉन्च करने के बाद नई पॉलिसी लागू हुई है। इसके तहत यदि आप अपना यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्प्ले नेम आदि कुछ भी बदलते हैं तो आपका ब्लू टिक तुरंत हट जाएगा। कंपनी इस दौरान आपकी प्रोफाइल को दोबारा रिव्यू करती है कि आप वही व्यक्ति हैं या नहीं। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका ब्लू टिक वापस आ जाएगा। ब्लू टिक वापस आने में कम से कम 24 घंटे का समय लग सकता है। अमीर और लोकप्रिय पब्लिक फिगर्स को धोखा देने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर फिर से खबरों में है। इस बार उनके कार कलेक्शन के लिए, जिसे फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए नीलाम कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी चंद्रशेखर के पास लग्जरी कारों की काफी आकर्षक कलेक्शन है, जो पिछले 3 सालों से ईडी के कब्जे में है। वह अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर भी चर्चा में थे, जिनसे पिछले साल ईडी ने भी पूछताछ की थी।
डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द केरला स्टोरी के बाद अब अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर को लेकर सुर्खियों में है और फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म कोविड-19 की वैक्सीन पर बनी है। यह भारत की पहली बायो साइंस फिल्म है। आज स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर इस फिल्म का टीजर आया है जिसमें फिल्म की खास झलक दिखाई जा रही है। इसे शेयर करते हुए डायरेक्टर ने लिखा है, प्रिय दोस्तों आपकी फिल्म #TheVaccineWar या ट्रू स्टोरी 28 सितंबर 2023 के शुभ दिन पर दुनिया भर में रिलीज होगी। कृपया हमें आशीर्वाद दें। गूगल डूडल भारत का आज स्वतंत्रता दिवस नए अंदाज में मना रहा है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समृद्ध कपड़ा शिल्प परंपराओं को प्रदर्शित करके हमारे देश की आजादी का जश्न मनाया। डूडल के दिलचस्प सांस्कृतिक के मिशन को उजागर किया। आज का डूडल भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है और इसे नई दिल्ली स्थित अतिथि कलाकार नम्रता कुमार द्वारा चित्रित किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता मिल गई है, जिसे लेकर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने अभिनेता को भारत की नागरिकता मिलने पर बधाई दी और कहा कि आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर भारत की नागरिकता मिलने पर शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, आजादी के अमृत काल के स्वतंत्रता दिवस की मधुर बेला पर फिल्म स्टार अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिलने पर हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय की उसके फैसलों के मुख्य अंशों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने अपनी मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने वादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा में फैसले के मुख्य अंशों को अनुवाद करने का फैसला किया है। मैं उच्चतम न्यायालय को शुक्रिया अदा करता हूँ। अब फैसले के मुख्य अंशों का अनुवाद वादी की भाषा में किया जाएगा। लाल किले पर विशेष दरगाह में मौजूद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नमस्ते दोनों हाथ जोड़कर इशारे के साथ इसका जवाब दिया। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में 2 दशक से अधिक समय बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर एक हिंदी फिल्म दिखाई जाएगी। आदिवासी संगठन हमारा छात्र संघ ने मंगलवार शाम को चूरचांदपुर जिले के रेंगकई में हिंदी फिल्म दिखाने की योजना बनाई है। बरहज ऐसे ने कहा है कि मणिपुर में सार्वजनिक रूप से दिखाई गई आखिरी हिंदी फिल्म 1998 में आई कुछ कुछ होता है थी। उल्लेखनीय है कि विद्रोही संगठन रेवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट ने सितंबर 2000 में हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को राज्य के नागरिकों से समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य अब गरीबों, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों या कलाकारों या युवाओं जैसे सभी वर्गों के साथ लेकर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा, समाज के सभी वर्गों का विकास ही वास्तविक विकास है। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के परिवर्तनकारी उपायों ने गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर सहित सभी को लाभ पहुँचाया है। अरबपति कारोबारी गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी ग्रुप ने क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में बाकी बचे 51% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। अदानी ग्रुप को फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस की ओर से शेयर बाजार को ये जानकारी दी गई। क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में बाकी बचे 51% हिस्सेदारी खरीदने के MOU को मंजूरी दे दी गई है। क्विंटिलियन बिजनेस फाइनेंशियल और बिजनेस न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म BQ प्राइम पर चलाया जाता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रेणु गोलू कुमार, संजीव सिंह, नौशद अंसारी, मनोज कुमार, मोहम्मद साकिब हुसैन, बाबूलाल मरांडी, अंशुप्रिया, धर्मचंद कुमार, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने आज स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।